So you came to wander out. Why else would I be here? आज मैं आपके लिए फिल्म डिसऑबिडियंस को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। दोस्तों, दो महिलाओं के प्रेम पर आधारित इस फिल्म ने दुनिया भर में न सिर्फ ढेरों अवार्ड जीते हैं बल्कि उस सामाजिक सोच और बर्ताव को बदलने में भी अहम रोल अदा किए हैं जो LGBTQ कम्युनिटी या लेस्बियन के प्रति समाज में सदियों से व्याप्त था। हम सभी जानते हैं कि इंसानी भावनाएं सबसे कोमल होती है और हमारे इसी समाज ने कितने ही बार जाने अनजाने लेस्बियन प्रेम को प्रेम तक नहीं माना, लेकिन इस दकियानूसी समाज की घिनौनी सोच पर हमेशा ही कुछ फिल्म निर्देशकों ने उंगली उठाई है और लेस्बियन कम्युनिटी के लोगों की भावनाओं को हिम्मत दी है। हाँ, यकीनन आज समाज में तेजी से बदलाव आ रहा है, तो आज बात करेंगे 2017 की बेहतरीन फिल्म डिसओबीडियंस के बारे में जो लेस्बियन के मुद्दों पर बनी है और दो महिलाओं के आपसी प्रेम को बड़ी ही बेबाकी से दिखाती है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें और बेल आइकन भी दबा लें ताकि हमारे सभी वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे। 1 घंटा 54 मिनट की ये एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जो 2017 में रिलीज हुई थी। IMDb पर 6.6 की रेटिंग वाली इस फिल्म को सेबेस्टियन लेलियो ने डायरेक्ट किया था। इस फिल्म को नोवेल डिसओबीडियंस से अडॉप्ट किया गया है। फिल्म में रैचल विच, रैचल मैकएडम्स और एलिजेंड्रो निवोला ने मुख्य किरदार अदा किए हैं। फिल्म में हम देखते हैं कि वृद्ध राव कृष्णा ने उत्तरी लंदन में अपने रूढ़िवादी यहूदी मंडली को स्वतंत्र इच्छा पर एक धर्मोपदेश देते समय बीमारी के कारण दम तोड़ दिया है। रोनित राव की अलग हुई बेटी जो न्यूयॉर्क में रहती है और एक फोटोग्राफर के रूप में काम करती है, लंदन वापस लौट आती है। रोनित अपने बचपन के दोस्त डेविड कूपरमैन के घर आती है जो कि उसके पिता द्वारा एक चुना गया शिष्य है क्योंकि उसके पिता की मंडली के सदस्य मृतक को अपना सम्मान देते हैं। पिता की अचानक मौत से रोनित मानसिक रूप से तनाव में है। रोनित रूढ़िवादी संस्कृति के अनुरूप नहीं होने के तरीके में फिट होने में विफल रहती है। रोनित की यात्रा पर उसके आश्चर्य के बावजूद डेविड ने जोर देकर कहा कि वो उसके साथ रहे और संस्कृति के बारे में ज्यादा अच्छे से सीखे। रोनित ये जानकर हैरान है कि ST जोन दोनों की बचपन की दोस्त है अब डेविड की पत्नी बन चुकी है, जबकि बचपन में ST और रोनित ने खूब सारा वक्त साथ ही बिताया था। रोनित स्थानीय यहूदी अखबार में अपने पिता के मृत्यु लेख को पढ़ती है जिसमें लिखा है कि उसकी कोई संतान नहीं थी। ये पढ़कर रोनित टूट सी जाती है क्योंकि उसके पिता ने उसकी बेटी होने का अधिकार भी उससे छीन लिया, और उसके पिता ने ऐसा क्यों किया ये आपको आगे कहानी में पता चलेगा। इसके बाद रोनित अपने पिता की कब्र पर जाती है और 3 युवा शोबर को देखती है। डेविड दिन में छात्रों को टोरा पढ़ाता है। रोनित और उसके दो दोस्त रोनित के चाचा के घर पर डिनर में शामिल होते हैं। रोनित अपने चाचा से घर बेचने के बारे में पूछने की कोशिश करती है, लेकिन उसका चाचा कहता है कि वो सप्त के दिन व्यापार पर चर्चा नहीं कर सकते। रोनित से पार्टी के अन्य मेहमानों द्वारा उसका नाम बदलने के बारे में पूछताछ की जाती है और कहा जाता है कि वो अपनी माँ की मोमबत्तियाँ ले ले ताकि वो एक दिन उन्हें अपने बच्चे को दे सके। मेहमानों में से एक मेहमान रोनित से कहता है कि उसे शादी कर लेनी चाहिए क्योंकि यही करना फिलहाल जरूरी है। रोनित का कहना है कि अगर वो यहाँ रहती तो शायद उसकी शादी हो जाती, और अगर उसकी शादी हो जाती तो वो शायद आत्महत्या कर लेती। रोनित अपने चाचा मोशे के कार्यालय में अपने पिता के घर के स्वभाव पर चर्चा करने के लिए एक शीटेल की दुकान के पीछे जाती है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसके पिता ने अपनी सारी संपत्ति आराधनालय को दान दे दी है और रोनित को घर की भी केवल व्यक्तिगत वस्तुओं को पुनः प्राप्त करने की अनुमति है। ST रोनित के साथ उसके पिता के घर जाती है और ये दो महिलाएं राव कृष्णा के घर में बिताई गई अपनी बचपन की यादों के बारे में याद करती हैं और फिर एक दूसरे के काफ़ी करीब आ जाती है। इसी दौरान ST कोमलता से रोनित के पास जाती है जो शुरू में रोनित को अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो इसका विरोध करती है, लेकिन फिर ST ने कबूल किया कि उसने रोनित को उसके पिता की मृत्यु के बारे में उसे फिर से देखने की इच्छा से सूचित करने के लिए कहा था। ST इसके बाद रोनित से अपनी शादीशुदा जिंदगी के बारे में बताती है कि किस तरह वो अपने जीवन के साथ नाखुशी में जीती जा रही है। वो रोनित को बताती है कि उसकी शादी का फैसला भी राव की सलाह और हाशेम में उसके दृढ़ विश्वास के आधार पर लिया गया था। रोनित के समुदाय से चले जाने के बाद यूज एक रोमांटिक प्रयास में फंसाया गया और फिर उसकी शादी बिना उसकी इच्छा जाने ही डेविड से कर दी गई। इसके बाद दोनों महिलाएं एक दूसरे को बताती है कि न तो रोनित और न ही ST अन्य महिलाओं के साथ रही हैं, जबकि रोनित बायसेक्सुअल है। ST ने भी स्वीकार किया कि वो एक लेस्बियन है। घर के रास्ते में वो पास के एक पार्क में रुकते हैं।
वो रात में बाहर रहते हैं और फिर एक खाली टेनिस कोर्ट में फिर से एक दूसरे को भावुक से गले लगाते हैं, लेकिन मंडली के एक दंपति द्वारा उन्हें देख लिया जाता है। एसटी अदृश्य होकर वहां से चली जाती है, लेकिन दंपति रोनित को पहचान लेते हैं और संदेह करते हैं कि दूसरी महिला एसटी थी। जब ये दंपति रोनित से दूसरी महिला के बारे में पूछता है और कहता है कि क्या वो महिला एसटी थी, तो रोनित इससे इनकार कर देती है। अगले दिन एसटी जो स्थानीय यहूदी स्कूल में एक शिक्षक के रूप में काम करती है, उसे प्रधानाध्यापक के कार्यालय में बुलाया जाता है। जब दंपति एसटी और रोनित के व्यवहार यानी किसिंग के बारे में शिकायत करते हैं, आराधनालय में डेविड को राव के कर्तव्य को संभालने के लिए कहा जाता है। उसे रोनित के बारे में चेतावनी दी जाती है, लेकिन वो जोर देकर कहता है कि वो अपने घर को व्यवस्थित रखता है और उसकी बीवी एसटी उसके साथ बेहद खुश होती है। इस बीच रोनित घबराई हुई एसटी से कहती है कि वो अपने पिता की हेसपेंट में शामिल हुए बिना अगले दिन जा रही है। इसके बाद वो दोनों पैशनेट रोमांस के लिए मध्य लंदन के एक होटल के कमरे में चुपके से चली जाती है, जहाँ पर दोनों के बीच रात भर प्रेम और रोमांस चलता है। इसके बाद एसटी रोनित से कहती है कि वो अक्सर उसके बारे में सोचती थी और उसके न्यूयॉर्क अपार्टमेंट की कल्पना भी करती थी और दोनों जगह के समय के अंतर पर नज़र भी रखती थी। एसटी ने राव कृष्णा के घर में बिताए बचपन के वक्त भी याद किया जब ये दोनों किशोर लड़की हुआ करती थी। रोनित भी एसटी की बातों से भावुक हो जाती है और उसके लिए अपने दिल से पल रही प्रेम की भावनाओं को शेयर करते हुए कहती है कि उसको इस बात का पछतावा है कि उसने कभी उनका चित्र नहीं लिया। रोनित तब एसटी से कहती है कि वो उसकी तस्वीर लेना चाहती है। एसटी शुरू में शर्मिली दिखती है, लेकिन फिर वो रोनित की सिगरेट के साथ कई अच्छे पोज देती है। अंधेरे के बाद डेविड घर आता है और एसटी की खोज करने लगता है। वो पहले उसके बेडरूम में भी उसे खोजता है, फिर रोनित के गेस्ट रूम में खोजबीन करता है, लेकिन इस रात डेविड को घर पर ना तो एसटी मिलती है और ना ही रोनित। फिर डेविड ये सोचकर कि दोनों कहीं पार्टी करने गई होंगी, वो सो जाता है। एसटी बाद में घर आती है और माफ़ी मांगती है। डेविड उसके साथ जैसे ही रोमांस करना शुरू करता है, एसटी उसे मना कर देती है। अगले सुबह एसटी बीमार महसूस करती है और उस सुबह डेविड गुस्से में एसटी के पास आता है और उसे बोलता है कि श्रीमती शापिरो ने तुम्हारे और रोनित के बारे में एक औपचारिक शिकायत की थी और वो उसे सच बताने के लिए कहता है। एसटी कबूल करती है कि उसने रोनित को किस किया और वो अपने पति डेविड को ये भी बताती है कि वो रोनित के बारे में कैसा महसूस करती है, लेकिन डेविड इससे इनकार करता है और कहता है कि रोनित उसका फ़ायदा उठा रही है। एसटी जवाब देती है कि ये हमेशा से ऐसा ही रहा है और वो हमेशा से चाहती थी कि ऐसा ही हो। डेविड गुस्से में एसटी को छोड़कर वहां से चला जाता है। इसके बाद एसटी को पता चलता है कि रोनित ने भी उसकी और उसके पति की सब बातें सुन ली है। रोनित इसके बाद एसटी के करीब आती और कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें अब डेविड छोड़ देना चाहिए। इस पर एसटी जवाब देती है कि उसके पास इसके अलावा कहीं जाने और रहने के लिए कोई जगह नहीं है। डेविड आराधनालय में अपने कर्तव्य में भाग लेता है और स्पष्ट रूप से व्यस्त रहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि रात के खाने पर रोनित ने घोषणा की कि उसने एक फ्लाइट बुक कर ली है और उस रात वो बिना किसी हिचकिचाहट के यहाँ से निकल रही है। डेविड इस पर काफ़ी खुश होता है, क्योंकि वो अपनी पत्नी एसटी और रोनित के बीच बढ़ रही करीबी को पसंद नहीं करता, इसलिए वो बोलता है कि ये अच्छा है। रोनित इसके बाद वहाँ से निकल जाती है और हवाई अड्डे के लिए एक टैक्सी लेती है। डेविड के सो जाने के बाद एसटी एक दवा की दुकान पर जाती है और एक प्रेगनेंसी टेस्ट किट खरीदती है। बाद में एक हॉस्टल के कमरे में वो एक कैबिनेट के खिलाफ चीखना शुरू कर देती है और रोने लगती है। उधर दूसरी तरफ रोनित हवाई अड्डे पहुंच जाती है और वो अपनी उड़ान में सवार होने वाली होती है। जब डेविड उसे फ़ोन करता है और बताता है कि एसटी गायब है, रोनित ये सुनकर काफ़ी दुखी होती है और वो फ्लाइट छोड़कर वापस एसटी को खोजने के लिए आ जाती है, क्योंकि वो सच में एसटी से प्यार करती है। इसके बाद रोनित और डेविड एसटी के लिए राव कृष्णा के खाली घर की तलाशी लेते हैं। रोनित अकेले उस पार्क में खोज करता है जहाँ उन्होंने पहली बार किस किया था। रोनित और डेविड रात में अपने घर लौटते हैं और वो एसटी को वहाँ से पहले से ही ढूंढ चुके होते हैं। इसके बाद जब डेविड और रोनित घर आते हैं तो देखते हैं कि एसटी घर पर ही थी। एसटी बताती है कि वो गर्भवती है, लेकिन वो चाहती है कि उसके अजन्मे बच्चे को ये तय करने का मौका मिले कि वो उनके समुदाय का हिस्सा है या नहीं। डेविड गुस्से में वहाँ से चला जाता है। रोनित और एसटी राव की हेसपेंड में शामिल होते हैं, जिससे डेविड को पूरी मंडली के सामने देना होता है। डेविड जब रोनित और एसटी को वहाँ एक साथ देखता है तो हिल जाता है। जेमी रोड के उद्घाटन के बाद रोनित एसटी को उसके साथ न्यूयॉर्क में रहने के लिए आमंत्रित करती है।
डेविड स्पीच बोलना शुरू करता है लेकिन अपने तैयार स्पीच का पालन करने में भी असमर्थ होता है। इसके बजाय वह बताता है कि राव की इकलौती बेटी रोनित भी सेवा में भाग ले रही है। वो उस धर्मोपदेश की मंडली को याद दिलाता है जिसे राव मरने से ठीक पहले चुनने की स्वतंत्रता पर दे रहा था। भाषण के दौरान मंडली को संबोधित करने की आड़ में डेविड एस्टिक को उनकी शादी से मुक्त कर देता है और फिर सार्वजनिक रूप से मंडली के नए आध्यात्मिक मार्गदर्शक बनने के प्रस्ताव को ठुकरा देता है। एस्टी और डेविड जब बाहर मिलते हैं तो वो एक दूसरे को गले लगाते हैं। डेविड रोनित को उनके आलिंगन में शामिल होने के लिए बोलता है और इस तरह अंत में वो तीनों अपनी पुरानी दोस्ती को समेट लेते हैं। आखिरी सीन के इस हग में हम देखते हैं कि रोनित और एस्टी अपने सिर को डेविड के दोनों कंधों पर टिका लेती है और उसकी पीठ के पीछे एक दूसरे का हाथ पकड़ लेती है। अगली सुबह डेविड अपने शयन कक्ष में अकेले जागता है। एस्टी नीचे सोफे पर सोई होती है। रोनित वापस न्यूयॉर्क जाने के लिए तैयार होता है। जब उसकी टैक्सी आती है तो वो उसे अलविदा कहती है। डेविड और एस्टी उसे उसके लंबे जीवन की कामना करते हैं। जैसे ही रोनित की कैब दूर जा रही होती है एस्टी उसका पीछा करती है। वो रोनित को फाइनल किस देती है। रोनित एस्टी से कहती है कि वो एक खूबसूरत माँ होंगी। वो एक दूसरे को आई लव यू कहते हैं और एसटी के तय कर लेने के बाद कि वो कहाँ रहेगी वो संपर्क में रहने का वादा करते हैं। रोनित अपने पिता की कब्र को अंतिम अलविदा कहने और उसके कब्र की तस्वीर लेकर वापस न्यूयॉर्क के लिए निकल जाती है। दोस्तों उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।